قتل اخويا. الله اكبر. هاي ديليت مسج. الحمد لله يا الله دي أشكره. हूँ तो वैसे ही दौड़ लगी होंगी है, यह देखो शुरू करने तो पहले ही 1:45 बज गए। अच्छा जी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि बंदे आज थोड़े ने किधर लगे ने काम। بسم الله الرحمن الرحيم. الله تشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. इस एहतसाम बिल किताब व सुन्ना के अंदर इमाम बुखारी आम तौर पर वो चीज़ें लाते रहे हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुजारी के मामलात थे और
नबी का रवैया क्या होता था, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अहकमुल हाकिमीन है, उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत किस तरह जो है वो हमें पहुंचाई और कैसे कैसे जो है वो शरीयत उकदे जो है वो आप खोलते रहे, वो तरीके जो हैं वो इमाम बुखारी पेश करते रहे हैं। लेकिन आज जो मौजू है ये इस एतबार से बड़ा अहम है कि असल में अब ज़्यादा नबियों के बजाय जो मासूम होते हैं ये गैर मासूमों की कोशिश उनका जायज़ा ले रहे हैं। और मैं वैसे यह आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया इस्लाम का इसका सबसे बड़ा मसला ये है आज, और जितना इलाहाद जितना बिगाड़ और जो तबाही मची हुई है वो इस लफ्ज़ की बुनियाद पर मची हुई है, इज्तिहाद की बुनियाद पर। बाकी बात असल में ये होती है कि कोई ना कोई इंसान की अपनी कमज़ोरी होती है, दूसरे उससे गलत फ़ायदा उठा जाते हैं। इमाम बुखारी का जो दौर है वो ज़ाहिर है कि वो इस्लामी गलबे का था, खिलाफत का दौर था, और खिलाफत के अंदर बुनियादी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि नबूवत अगर बुनियाद ना हो तो फिर खिलाफत कोई चीज़ नहीं है। खिलाफत का माना ये है कि नबूवत बाकी और जो हुक्मरान है वो चला गया और उसकी जगह पर दूसरा हुक्मरान उसका जानशीन हुआ, इसको खिलाफत कहते हैं। तो नबूवत जो है वो महफूज रहे तो सारे कुछ महफूज है। इस इज्तिहाद का असल जो काम है ना बिगाड़ का, वो ये है कि इसने नबूवत तबाह की है, और नबूवत को जो है वो इसने बहुत नुकसान पहुँचाया। मैं इंशाल्लाह आपको कुछ इशारे करूँगा, इसलिए कि अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है लेकिन फिर भी इशारों से आपको मालूम होगा कि आम उलमा की नज़र उधर जाती नहीं है। तो वैसे तो आप जो हैं वो मैं बार बार इसको इसलिए याद कराता हूँ कि हमारे अहले इल्म जो है ना वो असल में उस दौर को देखते ही नहीं जो खैरुल क़ुरून का दौर था और जिसके अंदर जो है वो मुआशरा जो है वो अल्लाह के रसूल की तरबियत के मुताबिक अभी बाकी था, इसीलिए आपने उसको खैरुल क़ुरून कहा है। तो चूंकि वो मुआशरा बाकी था इसलिए उसके अंदर इस्लाम इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर काफ़ी हद तक जो था वो महफूज भी था। वो अलग बात है छोटे छोटे मसाइल के अंदर जो है वो उनका किताब व सनत से हल निकालते वक्त कोई इख्तलाफ हो जाए, लेकिन उस इख्तलाफ का नुकसान इसलिए ज़्यादा नहीं होता कि वो सिर्फ एक वक्ती मसले के अंदर जो है वो एक राय होती है, किसी आलम ने दे दी मसला हल हो गया। तो जब इसीलिए आमतौर पर उलमा का तरीका ये है कि जब कोई आलिम जो है वो किसी राय को इख्तियार करता है या कोई किताब व सुन्नत से कोई इस्तिंबात करता है तो उसमें फिर मुदाखलत नहीं करते। इमाम मालिक का तो तरीक़ेकार ही ये था कि वो सारी ज़िंदगी ये बचते रहे कि मुझे ना फतवा पूछो, आप फतवा दे दें बस, ताकि जो है जिसने ज़िम्मेदारी उठानी है वो उठा ले, मैं तो इस मैदान में कूदने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो असल में ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आइम्मा दीन की थी, लेकिन अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। यानी आपके सामने तो अब इस वक्त इमाम बुखारी का दौर है ना, इसलिए कि सही बुखारी आपके सामने रखी हुई है, और इमाम बुखारी ने ज़ाहिर है कि गैबदान तो वो नहीं थे, उन्हें अगर किसी बिगाड़ का इलम था तो उन्हें जो उस वक्त सियासी फिरके थे वो तो आपको पता है, शिया हो गए, खारजी हो गए, नासबी हो गए, इस तरह तो ये सियासी फिरके थे, और इसके साथ साथ जो किताब व सुन्नत से इस्तिफादा की बजाय फ़लसफ़ा के अकीदतमंद और फ़लसफ़ा के ऊपर जो है डोंगरे बरसाने वाले, उसमें बादशाह तक शामिल हो गए मामू रशीद की तरफ से जो है ये फ़लसफ़ा की इस तरह हमायत का ऐलान हुआ कि जो फ़लसफ़ियों की जो है बात नहीं मानता उसको जो है वो कोड़े मारे। मसला तो खल्के कुरान का सारा फ़लसफ़ियों का पैदा करता था, लेकिन बादशाह को इसमें आना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने आकर इमाम अहमद जैसे आदमी के साथ क्या अशर किया है, और फिर इसी तरह इमाम मालिक का क्या अशर हुआ है छोटे से मसले पर। तो इन लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ शरीयत को महफूज रखने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है वो
अपने सामने अहल राय को रख कर जो है वो उन्होंने बाब बांधा है। तो इसलिए उन्होंने इज्तिहाद को आम नहीं रखा, इज्तिहादुल कज़ा जो है वो उसका उन्वान बांधा। लेकिन इमाम बुखारी इसके तमाम पहलू, आम इज्तिहाद क्या होता है और इसी तरह इसकी जो दिगर हालतें हैं वो एक से एक जो है वो खोलेंगे अलग अलग। लेकिन शुरू में उन्होंने इज्तिहादुल कज़ा को जो है वो उन्वान के तौर पर जो है वो रखा है। मकसद उनका ये है कि जज जो है वो तो ज़ाहिर है कि गौर व फिक्र करता है और गौर व फिक्र के बाद फिर जज ने जो है वो फैसला करना होता है, उसके पास मामला आ गया है और जज के जो फैसला है चूँकि वो बुनियादी तौर पर सिर्फ उन फरीकैन पर लागू होता है जो उस वक्त आपस में झगड़ रहे थे। जज ने फैसला कर दिया, सद्द निज़ा हो गया, निज़ा ख़त्म हो गया। तो इसलिए जज का फैसला जो है वो गलत हो या सही हो इसकी इतनी अहमियत नहीं होती। वक्ती तौर पर जो है वो ठीक है कि किसी ख़ास को जो है वो कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन अगर जज बदनीयत हो फिर तो फैसला कुछ भी नहीं होता। फिर तो इमाम बुखारी ख़ुद कह चुके हैं कि उसका फ़ैसला अगर सीद के ख़िलाफ़ हो तो बाकी लोग तो नहीं मानेंगे उसको, लेकिन ये है कि फ्रीकैन चूँकि उनके लिए एक निज़ाम का हिस्सा है। जैसे हमारे यहाँ जब एक अदालत जो है वो इलाकाई अदालत होती है तो ज़ाहिर इलाकाई अदालत ने फैसला करना होता है, वो जज जो है वो बिका हुआ हो जो है वो। अब आम तौर पर हमारा तो निज़ामी अदलिया तमाम का तमाम जो है बिकाऊ है, इल्ला माशाल्लाह हम कह सकते हैं, वरना इतना मुआशरा बिगड़ा हुआ है कि यहाँ जज जो हैं लोग वो करते हैं। अब समझदार लोग जो हैं वो कहते हैं वकील ना करो, जज करो। मतलब ये है कि हाँ जी ये बात मशहूर तो बड़ी है, लेकिन जब तक इससे तजर्बा ना हो, वास्ता ना पड़े, उस वक्त तक इंसान को समझ नहीं आती। मामले करोड़ों अरबों के होते हैं लेकिन वो चंद लाखों में जो है वो जज बेच देते हैं। और हमारी सूरत हाल ये है कि जज को इतना मुकाम दे दिया गया है कि वो एक अव्वल तो देखिए जी, जज की बुनियाद कानून है, शरीयत तो है कोई नहीं। कानून और शरीयत का बुनियादी फ़र्क जो है वो कुरान मजीद ने जो है वो बहुत जो है वो इसका अहम फ़र्क हमारे सामने रखा है। अब आप देखिए ना, अल्लाहु अकबर, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم। यानी ये जो है इसके अंदर पूरी कानूनी दुनिया का नक्शा जो है वो कुरान मजीद ने खाई दिया है। तर्जमा भी जो है वो ज़रा सा गौर करें, आपको समझ आ जाएगा कि जो उस नबी की पैरवी करते हैं कि जो कहने को तो अनपढ़ लोगों में शुमार होता है, लेकिन वो इस हद तक है लिखने पढ़ने की हद तक, बाकी तो जाहिर है कि उसके साथ जो रोशनी है वो पूरी दुनिया तारीखी में है वो रोशनी, और जो रोशनी में बैठा हो जो है वो उसके लिए सब कुछ रोशन होता है, अनपढ़ क्यों ना हो। देखिए ना माशाल्लाह दिन की रोशनी है, जहाँ किसी आँखों वालों को ला के बैठाएँगे तो सब चीज़ रोशन है, लेकिन अंधे को बैठा देंगे तो वो कहेगा यहाँ रात ही पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं आपको الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل कि जिसको जो है वो इससे पहले तौरात और इंजील के अंदर जो है उन्होंने लिखा हुआ पाया, यानी इनका जिक्र तौरात और इंजील में भी है। उसके बाद फिर उनका फंक्शन बताया है, यामुरुहुम बिलमारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, कि वो उनको जो है वो भलाई का हुक्म देता है और जो बुराइयां हैं उनसे रोकता है। वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, यहाँ असल में असासी जो है नुक्ता बता दिया है, यानी खैर शर, खैर को फैलाने का काम जो है वो अमर बिलमारूफ है और शर को रोकने का काम जो है वो नहयिल मुनकर है। ये भी बुनियादी नुक्ता आ गया और आगे भी बुनियादी नुक्ता ही है। वही हिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, कि जो तय्यिबात हैं पाकीज़ा चीज़ें हैं, और लफ्ज़ तय्यिबात बोलकर उसके अंदर
لفظ حلال کو بھی شامل کر دیا ہے، اس لیے کہ پاکیزہ چیزیں جب حرام طریقہ سے کمائی گئی ہوں تو وہ پھر طیبات نہیں ہوتی، حرام طریقہ سے کمائی گئی چیزیں جو ہیں وہ طیبات نہیں ہوتی، طیبات صرف وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے بھی کھانے پینے میں بھی اچھی ہوں، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تو اس لیے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو اب بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بنیادی نقطہ ہے، بھائی حل لہم الطیبات، یعنی یہاں بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو طیبات ہیں مقصد ہے کہ چیزیں حلال بھی ہیں اور لذیذ بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ کھاتے ہیں، یعنی یہ نبی ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ حلال کرتا ہے، جس کو لذیذ معلوم نہ ہو وہ نہ کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ جو سانڈا ہے اس سے نفرت تھی، آپ کو لذیذ نہیں لگتا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں بھی ساری زندگی سانڈا نہیں کھایا، تو اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ مجھے مزاج کی بات ہے، نفسیاتی طور پر یہ چھپ کے لیا نا، مجھے اس سے بہت زیادہ نفرت ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کسی دیوار پر بیٹھی ہو ہے تو یہ سوچ صحیح نہیں، دیوار پر بیٹھی ہو میرا ہاتھ وہاں لگ جائے تو میں صابن سے دھونے کے بعد بھی جو ہے بسا اوقات کہا کرتا تھا میرا کہیں ہاتھ صاف بھی ہوا کہ نہیں ہوا، حالانکہ دیوار پر وہ کیا چھوڑ گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑ گئی۔ تو اصل میں انسان کی نفسیاتی کیفیت اگر اس طرح کی ہو جائے تو تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پورا خلاصہ نکال دیا، ایک تو امر بالمعروف خیر کو پھیلانے کے کا مسئلہ اور برائی کو روکنے کا مسئلہ، پھر اس کے بعد جو ہے پاکیزہ چیزیں حلال، یعنی حلال کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ پاکیزگی ہے، بھائی حرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اس وقت امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، روس ہو گیا، چائنا ہو گیا، جن کو ایک تعبیر کے مطابق جو ہے یاجوج ماجوج سمجھ لیں، یہ پوری یاجوج ماجوج جو ہے نا اصل میں یہ کھاتی ہی گند ہے، یعنی اللہ کی قدرت خود اپنے طور پر بڑے ان کے دعوے ہیں کہ جو ہیں وہ ہم تو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن اللہ کی قدرت جو ہے سمجھدار ہونے کے دعووں کے باوجود حالت یہ ہے کہ مت ماری ہوتی ہے، یعنی ان کو حقیقت یہ کہ نہانا بھی نہیں آتا، اول تو انہوں نے استنجا نہیں کرنا، پخانے کا بھی استنجا یہ نہیں کرتے، ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تو گند ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ جو ہوتا ہے غسل خانہ، اس کے اندر ایک تالاب بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے پانی بھر کر جو ہے وہ اس کے اندر صابن ڈال کے نہانا ہوتا ہے، اب بتاؤ کہ وہ سارے کا سارا گند جو ہے وہ اسی کے اندر ملا ہوتا ہے، اوپر سے خوشبوئیں لگا کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جن کو نہانا نہیں آتا وہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے انسان ہیں، کیا بات۔ مجھے حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح آپ دیکھو کہ یعنی جن چیزوں سے انسانی مزاج ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا مزاج جو ہے کوئی حتمی ہے، لیکن انسانی مزاج ہے کہ ان چیزوں سے مثلا چوہا ہے یہ اسی طرح چھپکلیاں ہیں، یہ گندگی کے کیڑے ہیں جن کو کاکروچ کہتے ہیں، یہ سارے انسانوں کو نفرت آتی ہے، لیکن مجھے مطالعے کے بعد اندازہ ہوا چین کے اندر باقاعدہ ان کو جو ہے پالا جاتا ہے، اور پال کر پھر ان کو جو ہے وہ بھون بھون کر بڑے چسکے سے کھاتے ہیں، یعنی مطلب انہیں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی، ہر گندی چیز ان کو کھانے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے چھپکلیاں ٹڈے کیڑے مکوڑے، پھر اس کو آپ دیکھیے سانپ کے ساتھ جو ہے انہیں اگر بیماری کے لیے کوئی چیز نہیں اور ملتی تو یہ کیا اس کو بولتے ہیں جو چمگادڑ ہوتا ہے، اس کے شوربے، کتے کے شوربے، چمگادڑ، یعنی یہ اس دنیا کا حال ہے جس کو جو بڑی ترقی یافتہ کہلاتی ہے، ہاں جی بلیاں کتے انا للہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا مطالعہ جب بھی آپ کریں گے آپ کا مطالعہ تو جو ہے زبان آپ کی کاسر رہ جائے گی، اور حالت یہ ہے کہ اچھا انہیں پتہ ہے کہ ہماری خرابی کیا ہے، جب یہ کرونا ان کے آپ پھیلا ہے تو انہوں نے وہ جو بلیاں اور کتوں کا جو بازار تھا وہ بند کر دیا،
और अमेरिका ने क्या काम किया कि ये सुअर सारे के सारे जो हैं वो कंटेनर में भरकर जो है वो आग में जाकर फेंक दिए। मत तो इतनी मारी हुई है, उसे आग में क्या फेंकना है, उसे वैसे ही तुम जो है वो गोली मारकर ख़त्म कर दो। लेकिन आग की सजा तो अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त नहीं दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसानी सोच विचार जिन इंसानों की अकल का ये हाल है उनके बारे में फिर आगे अल्फाज दिखी। बेजा वन हम इस रहा हूँ कोई फूकने के लिए कोई चीज नहीं है। इसर कहते हैं बंधन को, बंधन। और आमतौर पर जो है वो ये हाथ पांव चुके जरा हरकत आज़ादी से कर लेते हैं, इसलिए जो चीज़ इनको बांधती है उनको कहते हैं असर, इसर। तो वेजा वन हम इसरा हूँ, नबी का काम क्या है कि इनके हाथ पांव जिन चीज़ों ने बांधे हुए हैं ये उससे आज़ादी देता है। कहते हैं जी इस्लाम जो है, इस्लाम के अंदर तंगी क्या है, इस्लाम ने तो आपने हाथ पांव बांधे हुए हैं उसने जो है वो आज़ादी देनी है। असल में यहाँ इशारा है कानून की तरफ, कानून की तरफ। हाँ, कानून बंदिश होती है ना, यानी मैं कहता हूँ इनकी मत मारी गई है, इत्तेहाद का नाम लेकर ये थकते नहीं है। और कानून का माना ये है कि अब बंदों की अकलों की तकलीद करो, इमामों की तकलीद ये नहीं कर सकती। लेकिन जो जाहिर लोग हैं जिनको यानी इस ऐसी मत वाले, जैसे मैंने आपको बताया जो सूअर खाने वाले हैं, कुत्ते खाने वाले और इस तरह जो है वो कीड़े मकोड़े खाने वाले, उन लोगों की ये तकलीद करते हैं। इनका जो असल कानून है वो क्या है, अमेरिका राजी हो जाए बस, किस तरह कि अमेरिका जो है ये कानून तो अमेरिका से आया है। वयज़ावान हम इसरा हम व लगलाल अल्लती कानत अलैहिन, तो गौल कहते हैं आमतौर पर उस चीज़ को जो ऊपर से गर्दन वगैरह को जो है वो डली जाती है। कानत अलैहिन यानी नबी का काम ये है कि ये कानूनी बंदिशें, क्या मतलब, अल्लाह की रजा के अलावा और कोई चीज़ जो है वो आपके लिए मतलब आप अल्लाह की रजा के ख़िलाफ़ ना हो, बस हर चीज़ आपके लिए जायज़ है। तो कुछ जिन लोगों को अल्लाह ने समझ दी होती है, हमारे जस्टिस बदीउज़्ज़मान क्या कौस एक ही लफ्ज़ बोला करते थे कि ये खाम खा कानून साजियाँ, कानून साजियाँ, ये सारा बिगाड़ है। हालांकि वो बहुत काबिल जज थे, उनके फैसले आज भी जो है वो कानूनी दुनिया के अंदर बहुत अहम हवाला होते हैं। तो बस एक ही लफ्ज़ बोला करते थे कि भाई इस्लाम क्या है, अल्लाह की रजा, जो जिस पर अल्लाह राज़ी हो वो इस्लाम है, और जो हुक्म अल्लाह का है वो इस्लाम है, और जो हुक्म अल्लाह का नहीं है वो इस्लाम नहीं है। बस सीधी सी बात है। और वैसे तो जो भी है, लेकिन बसा औकात किसी के अंदर कोई अच्छी बात होती है, अल्लाह ताला उसे उससे मुंह से अच्छी बात निकलवा देते हैं। मैं खादम रिजवी के बारे में, वैसे तो अल्लाह ताला ने जो उसको दिया हुआ था माशाल्लाह बोलने का जो अंदाज़ लाया था कि वो अंदाज़ उसका काफ़ी जो है वो मौसर था, लेकिन उसके मुंह से जब ये लफ्ज़ निकला ना कि हमारा दस्तूर जो है वो कुरान मजीद है, मैंने कहा ये सारे जितने मौलवी ना उन्होंने गाल काट गया। और कह लो तुम देखो जी बरेलवियां ना नहीं तुम सुनना चाहते ए लदीसो, और ताले वो बंदे मैंने तो हकीकत है कि नाम लैन दिल नहीं करता, उन्होंने अमीर बना के तुम समझा कि पता नहीं ये अकले कुल बन गया। वो बेचारा मिसकीन आदमी सी अलामा साहब की जगह उत्ते बैठ गया, हूँ कितने अलामा इंसान लाई देखिए तो कितने साजिद मीर। वही गल है कि उलमा उठ जाएंगे तो जाहिल उन्हें जगह बैठेंगे तो फिर लोगों भी गुमराह करेंगे, आप भी गुमराह होंगे। दोस्तों उन पूरी हदीस जमात में गुमराह करने वाला कौन आदमी है। अच्छा जी, तो मैं आपको, मैंने असल में इसमें थोड़ी सी इसलिए
तवारत की है कि मसला बुनियादी जो था वो इमाम बुखारी ने, तो खैर यहाँ आपको वो मसला बताना है कि कज़ाउल काजी, कि काजी का जो फ़ैसला है उसकी क्या हैसियत है। तो इमाम बुखारी ने जो है वो बुनियादी तौर पर अपने सामने अहले राय को रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो दौर खिलाफत का दौर था। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि आप कानून साजी करें, और आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जो इस्लामी मुल्कों का सबसे बड़ा गंद ये है कि आप जो है वो सबसे पहले अगर आप शरीयत भी नाफिज करना चाहते हैं तो पहले उस कानून बनाएं। बड़े दुख की बात है कि हो अल्लाह की शरीयत और आप जैसे जाहिर लोग जिनको कुरान का तर्जमा नहीं आता, हदीस का तर्जमा नहीं आता, और वो उसूल व फ़नून जो कुरान हदीस को समझने के लिए और उनकी तारीख जिससे ये समझ आता है कि कुरान का मुकाम क्या है, हदीस का मुकाम क्या है, वो इन्हें जो है वो लोग मिलते हैं। और हकीकत यह है कि मैं एक चीफ जस्टिस था, मैं उसके मुंह से कभी सुनता उसको पूरा कलमा नहीं आता था, मैं नाम ही मैंने लेना इसलिए कि उसका बहुत बड़ा हलका है यहाँ जो है यानी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो ला इलाहा के बाद इल्ला ना नहीं कहता था, कलमा इस तरह पढ़ता था। तो मैं हैरान होता कि ये जो सूरत हाल है कि इन जजों का ये हाल है। लेकिन आपको बताऊं कि ये लोग अथॉरिटी हैं हमारे यहाँ। तो मैं आपको इसलिए बताना ये चाहता हूँ कि कानून साजी जो है ये बुनियादी तौर पर बंधन है, और कुरान मजीद ने इन बंधनों को तोड़ने के लिए नबी को भेजा है, मैंने आपको ये बताया। तो अब जो अच्छा नाम इज्तिहाद का लेना, और इज्तिहाद की तारीफ इनके नज़दीक क्या है, वो भी मैं कहता ऐसी बनावट है कि देखो जो चीज़ जो है वो किताब व सुन्नत में ना हो, ज़रा बात सुनिए तारीफ़ क्या है कि जो चीज़ किताब व सुन्नत के अंदर ना हो अकल से वो बात जो है वो पेश कर देनी। राजून यानी अल्लाह और उसके रसूल को तो समझ नहीं आई, और हमारी अकल को जो है वो समझ आ गई है, और हमारी अकल की जो बात है वो असल में वो है हमारे लिए काम की चीज़। मतलब ये है कि कुरान हदीस को छोड़ दो, सीधी सी बात है कि कुरान को हदीस को ही छोड़ दिया तो फिर उसके बाद इस्लाम का नाम देने की ज़रूरत क्या है। वैसे आपको ये बताऊँ कि ये बातें जिनको अल्लाह समझ देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ख़ादिम रिज़वी की मिसाल दे दी है कि उसने कहा कि कुरान मजीद जो है वो हमारा दस्तूर है, इसी तरह पूरी तारीख के अंदर आप देखिए ये चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने सऊदी अरब के अंदर एक अल्लाह के बंदे को जो हालांकि आलम दीन नहीं था लेकिन उलमा दीन के पास बैठने उठने वाला था, उससे जो है वो एक ऐसा काम कराया है कि आज पूरी दुनिया जो है वो कुरान हदीस को छोड़े हुए हो, लेकिन फिर भी सऊदी अरब जो है वो ऐसा मौजूद है जो कह सकता है जी हम मेरे यहाँ कुरान और सुन्नत शरीयत का नफाज है, बल्कि वो कहा ये करते हैं, अब तो खैर वो चुप हो गए हैं, लेकिन कहा यह करते थे कि हमारे यहाँ जितनी बरकतें हैं वो सारी शरीयत के नफाज की वजह से हैं। तो मुझे वो वाकया फिर यहाँ जो है वो आपको याद कराने की ज़रूरत होती है, जब अल्लाह ताला किसी को समझ दे देते हैं, जैसे मैंने जस्टिस बदीउज़्ज़मान के काउस की बात कही है। तो इसी तरह कुछ और जज भी थे, ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे उनके साथ बैठक थी, कुछ मैं उनसे सीखता वो मुझसे सीखते, जस्टिस गुल मोहम्मद खान और जो है वो एक और जज थे, अगरचे उनको समझते नहीं शरीयत की लेकिन वैसे वो दीन के नाम पर जो है वो आम तौर पर हमायत कर जाते हैं। तो हम तीनों जो है वो सदर पाकिस्तान के पास गए ज़ियाउल हक के बाद ग़ुलाम इसहाक के पास, तो हमने कहा जी जजों को शरीयत की जो है वो तालीम देनी चाहिए, तो इसके लिए शायद यहाँ ये तालीम पूरी ना हो सके इसलिए कि यहाँ वो पढ़ लिख कर फारग हो गए थे, ये बाहर के मुल्कों में भेजेंगे, वहाँ जजों से इनका आपस में मेल जोल भी बढ़ेगा, कुछ तजर्बे भी आपस में शेयर होंगे, और इसके अलावा जो है ये शरीयत का इलम जो है वो गहरा लेकर वापस आएंगे। तो ये हम हाई कोर्ट ने ये स्कीम बनाकर पेश की थी, और उसके अंदर चूँकि सारी तजवीज़ तो मेरी थी इसलिए मेरे इदारे का ही जगह जगह जिक्र है उस स्कीम में। तो अब ये जो सूरत हाल है, जब हम गए तो ग़ुलाम इसहाक जो थे बड़े तेज़ तरार से कहने लगे जी छोड़िए आप हमारे जज बड़े अक्लमंद हैं, इनको बेवकूफ़ ना समझिए, आप जो है इनको एक फ़िका बना दें मुत्तफ़िका। अब बताइए कि किस तरह की उन्होंने हमें गाली दी है कि मुत्तफ़िका फ़िका बना दो, फ़िका तो कभी मुत्तफ़िका हो सकती ही नहीं है, उसमें तो लाखों करोड़ों इख्तलाफ़ हैं और एक से एक बात निकलती जो है वो इख्तलाफ ही निकलती है।
तो अब कहने लगे कि जी आप ऐसा करें कि ऐसा कोई मुत्तफ़िका जो है वो फिकी कानून जो है वो आप बना दें। तो वो खैर अच्छी बात हुई, अल्लाह ताला ने हमारे एक कानूनदान को जो है ये तौफीक दे दी। वैसे बेचारे मुखलिस थे मेरी नज़र में। उन्होंने जस्टिस गुल मोहम्मद खान साहब ने कहा जी बात ये है कि आप जो बात करना चाहते हैं फिका तो ज़ाहिर वही होती है जो किताब व सुन्नत से अखज़ की जाए, तो क्या हम जो फिका तैयार करेंगे वो उसकी इबारत किताब व सुन्नत से अच्छी होगी, कुरान से वो इबारत अच्छी होगी या हदीस की इबारत से वो अच्छी होगी? कह लगे वो ज़ुबान तो मौजूद है, वो तदवीन तो मौजूद है, कुरान भी मुदवन मौजूद है और हदीस भी मुदवन मौजूद है, तो जो हम भी जो इबारत बनाएंगे वो अच्छी होगी। बिल्कुल वही हाल है जो आज एक फिका का आप जो है वो एक जुमला ले लें और उसके बाद कुरान हदीस को देखें, चे नस्बत खाक रहा बाल में पाक, जो अल्लाह ताला को पूरी अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है वही कुरान मजीद को जो है वो तमाम कलामों पर हासिल है, और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान मजीद के ही चलता फिरता कुरान है, कोई वो छोटी शय नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो ये कबाल दिया है कि उदी तो जवाब में अल कलीम। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इज्तिहाद की खराबी जो है, मैंने इसलिए आपको जो है ये बुनियादी बात बता दी कि इज्तिहाद की तारीफ ही पहले वो की गई है जो इल्हाद है। भाई अगर शरीयत को छोड़ देना तो फिर तो वो इल्हाद है, फिर वो इज्तिहाद क्या रहा? इज्तिहाद तो उसको बोलते हैं जो शरीयत में हो। तो इसीलिए आपको पता है कि इमाम बुखारी को तो अल्लाह ताला ने और इसी तरह इस मकते फ़िक्र को तो अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना हुआ है कि ये बताएं कि शरीयत जो है वो कितनी जामे है, शरीयत के अंदर क्या वस्ते हैं, और शरीयत की बारीकियां देखिए, जो काम जिस तरह इमाम बुखारी एक एक लफ्ज़ के लिए मेहनत करते हैं, ज़रा बताइए आज कोई है बहुत बड़ा मुहद्दिस जो इस तरह से इमाम बुखारी की तरह जो है वो काम करके दिखाए? तो मैंने आपको एक तो ये बताया है कि इज्तिहाद की जो तारीफ़ है ना वो गलत है बिल्कुल। इज्तिहाद सिर्फ जो है वो हम ये कह सकते हैं वैसे कि अहलुर राय और अहलुल हदीस के इज्तिहाद की तारीफ में जो है वो तारीफ में तो फ़र्क नहीं है, लेकिन उसका जो समरा है ना उसके अंदर एक फ़र्क है। तारीफ तो दोनों की यही है कि किताब व सुन्नत के अंदर जो है वो आप गौर व फिक्र जब करते हैं तो ज़ाहिर है कि गौर व फिक्र का मकसद कोई पेश आमदा मसला होता है, उस पेश आमदा मसले को हल करने के लिए आप किताब व सुन्नत में गौर व फिक्र करते हैं। उस दौर में उलमा का ये काम नहीं था कि वो बैठे हुए कानूनी किताबें तैयार करते हों, उनका तो काम यह था मसला पेश आया उसके बारे में जो राय उनके सामने आई, यानी जो उनकी अपनी राय होती थी, वैसे तो वो शरीयत से मुस्तंबत होती थी, तो उस राय को जो है वो पेश कर देते थे। और ये आपको बताऊं कि जो इज्तिहाद है, इज्तिहाद के माने सिर्फ मेहनत के हैं, और पूरा आप कुरान मजीद पढ़ जाइए आपको वैसे इस माना के अंदर ज़हनी तगोदाव के अंदर लफ्ज़ इज्तिहाद मिलेगा ही नहीं। यानी कुरान मजीद के अंदर सिर्फ दो ऐसी जगह हैं जहाँ आप जो है वो इससे मिलता जुलता एक मफहूम जो है वो ले सकते हैं। एक तो वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाल मुहसिनीन, और वहाँ लफ्ज़ जो है वो जोहद से जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके माने अहले इल्म ने ये भी किया है कि अगर आप जो है दीन को समझने के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं वो भी इसमें शामिल है। चलिए कोई अर्ज नहीं, जब आप दीन को समझने की मेहनत करें वो भी ठीक है, और अगर इसको आप जो है वो अमलदारी के लिए इसको जारी सारी करने की मेहनत करें वो भी जिहाद है। दोनों यानी जिहाद है, समझना भी जिहाद है और जो है वो इस पर अमलदारी जो है वो भी जिहाद है। तो एक तो ये आयत और दूसरी आयत जो है वो ये है, और इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों आयतें मक्की हैं जी। तो वो ये है कि फलात तेल काफ़रीना वजाहिद हम भी जिहादन कबीरा, काफरों की इताअत ना करो और इन कुरान मजीद को जो है वो लेकर बड़ा जिहाद करो। तो चूंकि लफ्ज़ कुरान आ गया तो कुरान मजीद के जब आप दलाइल देंगे तो इस माना में इज्तिहाद आ जाता है, लेकिन कहीं ये मुराद नहीं है कुरान हदीस के अलावा जो है आप जो कुछ गंद आप कहते हैं वो कुरान हदीस के अलावा गंद ही होता है। और क्या है, इमाम शाफी ने कह दिया कि हर चीज़ वो जो अल इल्म माकान फीह काला हद्दसना व मा सिवा ज़ालिका बस फासिक शयातीन,
बाकी सब शैतान के वसवसे हैं। देखिए अल्लाह और उसके रसूल के सामने हर चीज़ गंद है, साफ बात है। अब दुनिया व माफ़ी मलूनुन इल्ला ज़िक्र अल्लाह व मा वाला हो, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सब पर अल्लाह की लानत है, और जो चीज़ अल्लाह का जिक्र है या अल्लाह के जिक्र से मुतल्लिक है या आलिम और मुतअल्लिम, बस जो कुरान जो दीन का इल्म सीखने वाला है और दीन का इल्म सिखाने वाला है, इनके अंदर बरकत है। तो बाकी हमारे पास अगर कोई अल्लाह की नेमत है तो वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ये नूर दे दिया है, यानी ये रोशनी हमें अल्लाह ने दे दी है। वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, इसी आयत के अंदर मौजूद है कि उन्होंने उस नूर की पैरवी की है जो नबी के साथ। तो कहने का मकसद मैंने आपको ये है कि एक तो इज्तिहाद का माना जो हमारे मैं वैसे लफ्ज़ मुल्हिदीन का लफ्ज़ बोल तो सकता हूँ लुगवी माना में, लेकिन हम लोग चूँकि इलम से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा ख्याल ये है मैं अल्फाज नरम रखने चाहिए। अगर कोई चीज़ आती है जैसे कि इमाम बुखारी ने जिनकी तरदीद की है बात उन्नास से कर दी है, तो इसलिए मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि कोई लफ्ज़ जो है वो सख्त ना बोला जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हर चीज़ जो है वो हेज है। अला यालम मन खलक बहुवल लतीफ़ुल खबीर, तो इसलिए जो अक्ल व बसीरत है वो सब वही में है, और जो चीज़ वही से अलहदा है वो कोई अक्ल व बसीरत की बात नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद ने इस कानून साजी को बंदिश कहा है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और आज तक यहाँ कुरान और सुन्नत की जो हैसियत है ना वो मुतय्यन नहीं है। जज अगर अपने फैसलों में लिखते हैं, लेकिन ये है कि कुरान और हदीस के बारे में ये लफ्ज कहीं भी मौजूद नहीं है कि कुरान, बल्कि कुरान और हदीस के अंदर जो अहकाम फिकी मिलते हैं वो भी हमने निकालने हैं, यानी वहाँ लफ्ज़ जो है वो उसको कानूनी ज़ुबान में देखकर लोगों को धोखा दिया गया है। आम लोग कहते हैं जी कुरान हदीस तो हमारे यहाँ जो है वो सुपीरियर कानून है, सुपीरियर दस्तूर है, इन्नालिल्लाहिराजिऊन। कुरान और हदीस का जो मुकाम अगर आपने देखना हो तो ये कानूनदान हमें तो इजाज़त नहीं देते कि हम कानून के बारे में कोई बात करें, और आप जो है ना कुरान आता है ना हदीस आती है उन इश्तिहाद करते रहते हैं हर वक्त। तो इसका मतलब ये है कि उनका चूँकि ज़ोर है और मगरबी कुव्वतें उनके साथ हैं, तो इसलिए उस कुव्वत के मुताबिक जो है वो दुनिया के अंदर बुराई फैलाई जा रही है। तो मैंने आपको जो है वो ये बताया है कि इमाम बुखारी ने यहाँ इज्तिहादुल क़ज़ा की बात करके जो है ये इशारा कर दिया है कि इज्तिहादुल क़ज़ा जो है उसके अंदर कोई आपस में इख्तलाफ़ नहीं है, इसलिए कि जब किसी ने जो है वो किताब सुन्नत में गौर व फ़िक्र करके अपने उस निज़ा को जो हमारे सामने पेश हुआ है हल करना है तो वो निज़ा तो हल हो जाएगा, उसके बाद उस निज़ा का जो नतीजा है कहते उसे भी राय हैं, लेकिन सिर्फ उस राय को जो है वो आप बुरा नहीं कह सकते। राय बुरी वो होगी जिसके अंदर वो औसाफ पाए जाएंगे, मैं आम तौर पर जो आपको बताता हूँ, जिसके अंदर तखरीज है, जिसके अंदर फ़िका तकदीरी है, और जिसके अंदर जो है वो हकीकत जो वाकई है वो बदल दी जाए, जिसको क़ज़ाउल क़ाज़ी यन्फ़ुज़ु ज़ाहिरन व बातिनन वाली बातें हैं। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि इमाम बुखारी ने तो वैसे ये उनवान बांधा है, लेकिन हकीकत यह है कि चूँकि मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इन्हीं कानूनदानों में गुजरा है और इनके साथ मैं उठता बैठता रहा हूँ, इनमें अल्लाह का शुक्र है कि जो दीनदार हैं उनकी तो मैंने आपको जो है मिसालें दे दी हैं, काकाऊ साहब की मिसाल दे दी है और जस्टिस गुल मोहम्मद की मैंने आपको मिसाल दी, इतनी अच्छी बात कही बिल्कुल गुलामी साग चुप हो गए, ज़ाहिर है जजों की ज़ुबान भी जजी तुरी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जो है वो बसीरत दे। मैंने आपको इज्तिहाद के बारे में जो असल में इशारा किया है वो इसलिए किया है कि वैसे आपको ये बताऊं कि इज्तिहाद का बिगाड़ कहते हैं कोई चीज़ जो बाद में उजागर होती है ना उसकी कोई ना कोई बुनियाद पहले से जो है वो
मौजूद होती है। तो अब आप देखिए ना कि असल में मसला जो बिगड़ा है ना, पहली दफ़ा वो बिगड़ा है असल में राय से, कि वो चीज़ जो गौर व फिक्र के बाद हासिल होती है उसका मुकाम क्या है। उसका मुकाम शरीयत का तो नहीं है, ज़ाहिर है वो आपने आपकी सोच विचार है, और आपकी सोच विचार जो है वो गैर मासूम आदमी की सोच विचार है, और गैर मासूम आदमी की सोच विचार जो है वो कभी अथॉरिटी नहीं होती। तो हाँ, नबी की जो सोच विचार है वो अथॉरिटी होती है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना नुमिनु बिबाज़िम व नकफ़ुरु बिबाज़िम व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैना ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व आतना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना। देखिए एक एक लफ्ज़ निखार दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान में फ़र्क करते हैं। हमारे यहाँ आम जाहिल वकील होते हैं, वो जी बात ये तो हदीस है, इसको छोड़ें, वो बात वही है कि सईद बिन जुबैर वाली कि अल्लाह के रसूल तो कुरान की मुखालफत के लिए आए थे, तू अब आ गया है कुरान मजीद की हिमायत के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा जी, अब कोई थोड़ा सा तर्जमा कर लेते हैं ताकि हमने बाकी मैं इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ें हैं ना कि कानून साजी और फिर कानून साजी के साथ साथ जो और बिगाड़ हैं, क्योंकि वक़्त थोड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कल मैं बयान करूँगा इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि जो फैसला करने वालों का जो इज्तिहाद होता है ना, उसके बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने जो है वो ये वाज़ेह ऐलान कर दिए है, वो मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ौलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत से फैसला नहीं करते वो वही ज़ालिम है। यानी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फैसला हो और अकल के नाम से हो या किसी कानून के नाम से हो और फिर वो कहा जाए कि वो अदल है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये अदल का लफ्ज़ जो है ये भी धोखा ही है। हमारी इस्लामी दुनिया के अंदर सऊदी अरब के अंदर लफ्ज़ जो है वो अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में तो अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता। पाकिस्तान में तो वजारत कानून होती है, वजारत अदल होती नहीं, इसलिए कि यहाँ जज का जो मकसद है वो शरीयत का लफाज ही नहीं है। जज का जो असल में मकसद ये है कि जो कानून बना दिया है असम्बलियों ने, वो जो अंगूठा छाप जो है वहाँ लोग होते हैं ना, उन्होंने जो कानून बना दिया है उसकी इन्होंने तकलीफ करनी होती। तो इसलिए आपके सामने जो आयत पढ़ी गई है वो जजों के फैसलों के बारे में है कि जो अल्लाह की उतारी हुई चीज़ से फैसला ना करे वो ज़ुल्म से नहीं बच सकता। ये वही बात है जो रिबी बिन आमिर ने रुस्तम में ईरान को कही थी कि लोगों को तुमने ग़ुलाम बनाया हुआ है, हमने जो है वो लोगों को आज़ाद करने के लिए जो है वो उन्हें अल्लाह का बंदा बनाया है। तो इसलिए ये आपको जो है वो ज़ुल्म से अदल की तरफ लाने वाली चीज़ें हैं, ये शर को जो है वो खैर की तरफ बुलाने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिबी बिन आमिर की ज़ुबान से निकली थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अकलमंद हिकमत से मुराद वो दनाई होती है जब इंसान किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है, जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर जो दनाई इस्तेमाल होती है ना उसको हिकमत कहते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो ज़ाहिर है कि जो ज़िंदगी आप गुजारते थे उसी के वही हिकमत थी। इसीलिए इमाम शाफी ने सादे से अल्फाज में कह दिया है कि कुरान मजीद में जो लफ से हिकमत का आया है वयुअल्लिमुहुमुल किताब पर हिकमत से मुराद जो है वो सुन्नत है। लेकिन हमारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, नए नए फलसफे गढ़ने के लिए बैठे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब हिकमत की तारीफ़ की है जब वो फ़ैसला करता है उस हिकमत के साथ। यानी चूँकि यहाँ ये अमलदारी की बात है, यहाँ इज्तिहाद की बात है, और इज्तिहाद हकीकत में हिकमत का एक तरीका है। यानी हिकमत के तरीक़ों में सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो इज्तिहाद ही है। तो बाकी जो है वो इसके अंदर बिगाड़ क्या पैदा हुआ है, मैंने बताया कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल हम इसकी वजाहत करें। तो वयुअल्लिमुहा, वो जो है वो फ़ैसला भी उसके साथ करता है, और उस शख्स को अगर अल्लाह ताला जो है वो उस्ताद बना दे तो लोगों को वो ये चीज़ सिखाता भी है। वलायत तकल्लफ़ बिन क़िबली ही, देखिए बड़ी अहम बात कही है कि अपने पास से कोई तकल्लुफ़ ना करे। क्या मतलब है कि हिकमत वो ले जो जो अल्लाह ताला की वही में हिकमत है, अपने पास से कोई चीज़ ना लेकर आए। वलायत तकल्लफ़ बिन क़िबली ही, और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफा की मुशावरत का जिक्र किया है। तो मुशावरत से मुराद भी जो है वो यही है कि इंसान दनाई की तलाश के लिए मुशावरत करते हैं। वसवालहिम अहलुल इल्म, और कहा है कि खुलफा जो है वो बड़े बड़े खुलफा जो हैं वो अहले इल्म से पूछने में कोई शर्म नहीं खाते थे। उन्हें पता था कि इल्म जो है वो कोई हमारी मीरास नहीं है, इल्म जो है वो उलमा की मीरास है, और जो हाकिम आलिम ना हो। ये सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा ही उस वक्त हुआ है जब मामू ने जो है वो फलसफे से मुतासर होकर जो है तमाम उलमा को अपने जो है वो ताबे करना चाहा। ठीक है, वो बेचारे तो बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर गए, लेकिन हम लोगों ने जो है वो उनके साथ इंसाफ इसलिए नहीं किया कि हम मामू रशीद के हामी हैं। यानी आज तक हमारे मदारस में जो है, आप जिस मदरसे में चले जाइए, अहले हदीसों को छोड़ दीजिए, आप जिस समय चले जाइए, आपको जो है वहाँ क्या मिलेगा, कुरान मजीद अल्लाह की कलाम लस्सी है ही नहीं। तमाम किताबों में यही लिखा हुआ है, अल्लाह के अल्फाज नहीं है ये कुरान मजीद। इसलिए कि ये जो अशरी है, मातुरिदी है, दोनों इसके कायल हैं कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह का कलाम नफसी है, कलाम लफ्सी नहीं है। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला किताब तौहीद में ये बातें आएंगी। अल्लाह अकबर। चलिए जी, और इससे इसके बाद जो है वो ला हसद इल्ला फी सनतैन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसद है वो दो चीज़ों में होता है। यानी क्या मतलब कि जो इंसान को इतनी ज़्यादा रश की कैफियत होती है वो अल्लाह ने उसके अंदर मुसाबकत जो है वो सिर्फ दो चीज़ों में रखी है। वो किस में रखी है कि एक तो वो शख्स जिसको अल्लाह ताला माल दें, और फिर उस माल को इतना जो है उसको मुसल्लत रखें कि वो इसको चाहे तो सारे का सारा माल ख़त्म कर दें, लेकिन हक के मामले में, बग़ैर हक के नहीं। जुल्म के मामले में इस्तेमाल करेगा तो वो तो सारे का सारा वो माल होता है, लेकिन हक के मामले में जो है वो जब माल का इस्तेमाल करेगा तो ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है, इसमें मुकाबला होना चाहिए। वह आखर व आताहुल्लाहु हिकमतन, और दूसरा वो आदमी है जिसको अल्लाह ताला जो है वो दानाई दें। यानी क्या मतलब, जिसको इस्तेमाल की जो है वो किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो अल्लाह बता दें। तो फ़ोगा यकजी भी हा वयुअल्लिमुहा, और वो उसके साथ फैसले भी करता है और लोगों को सिखाता भी है। वही जो इमाम बुखारी ने ऊपर अपने अल्फाज में बात बयान की थी हदीस में, अब वही बात जो है वो आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद हद्दसना मोहम्मद अखबरना अबू मुआविया, हद्दसना हिशाम अन अबीह अनिल मुगीरत इब्न शोबा क़ाला साला उमर इब्न अल-ख़त्ताब अन इमलासिल मराते भई अल्लती युदरब बतनुहा फतुल्की जनीनन फ़क़ाल अय्युकुम समिया मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहि शैयन फ़क़ुल्तु अना फ़क़ाल मा हुआ क़ुल्तु समितु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ीहि ग़ुर्रतुन अब्दुन औ अमतुन फ़क़ाल ला तबरह हत्ता तजी बिलमखरज बिलमखरज फ़ीमा क़ुल्ता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जमा यह है कि उमर बिन ख़त्ताब ने जो है, यानी मुग़ीरा बिन शोबा ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया कि जिस औरत का रहम नुचर जाता है, मुराद ये है कि इसकात अगर हो जाए, अगर औरत का इसकात हो जाए बच्चे का, तो उसके
लिए क्या दियत है। वही अल्लाती यूज़र अबो बतनहा, वो यानी इमलासुल मरा की खुद तशरी कर दी है, वो वही औरत होती है जिसका पेट जो है उसको ज़र्ब लगाई जाती है, फतुल की जनीनन, और वो जो छुपा हुआ बच्चा होता है उसको डाल देती है, मतलब यह कि उस वक्त उसका इसकात हो जाता है। फ़काला, तो हज़रत उमर से जब मुग़ीरा बिन शोबा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अय्युकुम समिया मिनन नबी, अपने पास से जवाब देने की बजाय हज़रत उमर का तरीका क्या है कि किसी ने को अल्लाह के रसूल से बात सुनी है। हज़रत उमर जो है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बेवकूफ़ आदमी थे, इसलिए ये हदीस की बात करते थे, वरना उनके पास अकल बहुत थी। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी ने अल्लाह के रसूल से कोई बात सुनी हो तो मुग़ीरा बिन शोबा कहते हैं मैंने कहा कि हाँ मैंने ही सुनी है। तो फ़क़ाला मा हुआ, वो क्या बात है सुनाओ ना, तो मैंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि वो कहते थे कि उसके अंदर एक जो है वो लौंडी है, यानी एक ग़ुलाम है या लौंडी, गुर्रतुन जो है वो ग़ुलाम को, ये मतलब कहते हैं जिसको हम अरबी में तो हर बंदा ही कहेंगे, तो मतलब जो आज़ाद नहीं होता, लेकिन उसके लिए चूँकि आमतौर पर लफ्ज़ जो है वो नर के लिए अबद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और औरत के लिए लफ्ज़ अमा इस्तेमाल होता है। तो फ़काला ला तबरा हत्ता तजी अनी, तो उन्होंने कहा तूने अब यहाँ बैठे रहना है, मेरे पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ ला जो तेरी बात को सच्चा बताए, अपनी तौसीक के लिए कोई और आदमी मिला, तो जो तूने कहा है उसकी तौसीक भी करवा। असल में बात यह है कि जब कोई मामलात ऐसे पैदा हो जाते हैं ना, ख़ास तौर पर जो है वो निज़ात की सूरत में, तो बसा औक़ात जो है उस वक़्त दो आदमियों को भी जो है वो सुना जाता। अगर तो इसकी कोई पक्की दलील तो नहीं है कि दो आदमियों को, इसलिए कि इसकी मुशाबत हो जाती है असल में दो गवाहियों से, तो इस वजह से जो है वो चूँकि मामला ऐसा पैदा हुआ था ना कि औरत का जो है वो हमल गिरा दिया गया था, तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो सोचा कि इसके लिए दो गवाह जो है, चलिए अहले इल्म में से भी दो गवाह ही ले आए ताकि जो है वो इल्मी तौर पर भी इसकी तायद हो जाए। लेकिन आपको ये बताऊँ कि शरी राय के अंदर एक दलील भी काफ़ी होती है, ज़रूरी नहीं कि दो ही दलीलें हों अलग अलग। तो उसके बाद फिर जो है वो बेचारे निकले, तो निकल कर जो है वो मोहम्मद बिन मसलमा के पास पहुँचे, तो मैं उनको फिर मोहम्मद बिन मसलमा को साथ ले आए, तो कहा कि फशहदा माइया, वो मेरे साथ वो भी हाज़िर हुए और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भी सुना है ये कहते हुए कि फ़ीह गुर्रतुन अब्दुन औ अमतुन, कि इसके अंदर जो है वो एक ग़ुलाम है, नर हो या मादा, यानी मरादी है कि मर्द या औरत। तो ताबा हुबनो अबिज़नाद, तो इसकी जो है मुताबत इब्न अबिज़नाद ने की है, अन अबी है अन उर्वता अनिल मुग़ीरत। अब देखिए ना, सनद नहीं है और नई सनद होने के साथ जो है सनद साफिल है। हाँ जी, इसलिए इसकी मुताबत ले आए। आप देखिए कि इससे पहले जो हदीस बयान हो रही है उसके अंदर अबू ज़नाद तो नहीं है ना। हाँ जी, देखिए जी, अबू ज़नाद है वहाँ जी, अबू ज़नाद नहीं है जी जी जी। तो इसलिए जहाँ जो है वो मुताबत जो है वो मौजूद है, लेकिन मुताबत जो है वो अबू मुआविया के साथ है और अबू मुआविया रवायत करते हैं हिशाम से, और हिशाम जो हैं ये उर्वा के बेटे हैं, ये उर्वा से रवायत करते हैं। तो इसी तरह यहाँ जो है वो अबू यानी इब्न अबी ज़नाद ने अपने बाप अबू ज़नाद से रवायत की है और अबू ज़नाद ने फिर उर्वा बिन ज़ुबैर से रवायत की है। तो
अब आप देखिए कि यहाँ सनद जो है वो एक रावी बढ़ गया है। कौन रावी बढ़ा जी? देखिए ना, उस सनद में तो जो है वो जी हद्दसना मोहम्मद है ना, और की अपने बाप से है और इधर डायरेक्टली उनके बाप का तस्करा है जी। पिछली में है ना हिशाम और अनावी, इधर डायरेक्ट आन हुआ है नहीं नहीं, वैसे ये बात ठीक कह रहे हैं। ये नहीं है उर्वा का तस्करा, नहीं है किस में? नहीं हिशाम का नहीं, वो है लेकिन उसके बाद उर्वा भी है ना। उर्वा है लेकिन हिशाम का तस्करा नहीं। नहीं, हिशाम का तस्करा अगर ना भी हो ना तो मकसद ये है कि दो यानी साफिल हो गई ना, यानी रावी बढ़ गए हैं ना, रावी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए इमाम बुखारी ने असल तो बनाया उसको जी आदि को। तो लेकिन वैसे आपको जो है वो फवजत तो मोहम्मद बिन मसलमा जो है ये तो असल में उसी का हिस्सा बन गया ना, इसलिए कि वहाँ तो अब वो तायद के लिए आ गए ना मोहम्मद बिन मसलमा, उन्होंने मुगीरा बिन शोबा की तायद कर दी। तो जैसे लाजमी नहीं है, मगर मैंने आपको बताया कि अगर कोई कज़ा के अंदर मजीद तसली के लिए जो है वो दो आलमों को बुला ले तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता ना, एक आलम से रायरी है फिर उसके बाद कहे एक और आलम को भी बुला लो तो कोई मना तो नहीं होगा, इसी तरह की बात है ये। तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो है वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा की गवाही के साथ जो है, मकसद ये था कि कोई आदमी जो है वो मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा खुद गहराई में ना गया हो, और गलती का भी जो है वो इम्कान तो होता है अगर अकलन होता है, लेकिन ये है कि आम वैसे रवाज यही है कि एक आलिम काफ़ी है, बल्कि अगर जो है वो फैसला करने वाला खुद आलिम हो तो फिर एक आलिम की भी उसे ज़रूरत नहीं है। गुर्रा तुमने बताया तो ग़ुलाम, नहीं नहीं उसी की फिर आगे वजाहत है ना, यानी गुर्रा तो कहते हैं कि ग़ुलाम, और उसके बाद वो मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती है। मैं आपको बताऊं असल में होता क्या है, जब ये मामलात होते हैं ना तो उस वक़्त जो है वो आम तौर पर चेहरे देखकर जो है ख़रीद व फरोख्त होती है ग़ुलामों की। तो गुर्रा का जो असल माना होता है वो ये है माथा, गुर्रा तो मुहज्जलीना मुहज्जलीना। तो असल में मकसद ये है कि आम तौर पर इससे लफ्ज़ ये बोलते हैं एक रास गाय, एक रास बैस, ये रास का लफ्ज़ क्या है जी? एक रास बैस, हाँ जी मुफ्ती साहब, एक रास बैंस, हाँ जी हाँ जी हैं जी, असल में ये इस्तेमाल हमारे उर्फ के अंदर ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं। ये रास का माना होता है कि एक सर, हाँ एक अदद, दो अदद, तीन अदद, चार, हैवानात में रास बोलते हैं जी, हैं जी हैवानात में रास साथ बोलते हैं जी, हाँ एक अदद साथ जी आमतौर पर। चलिए जी, ये मसला अपना ऐसा है कि वो देना है उसको ना गुलाम या बांदी जिसका बच्चा गिरा है, हाँ दियत की दागी, हाँ उसी को मिलेगा। अल्लाह अकबर। चलिए जी,